आप लोगों का स्वागत है एमजेड क्लासेस में। और आज हम लोग एमजेड क्लासेस में कोई मजाक नहीं होगा, आज जो क्लास होगा वो सीरियसली क्लास होगा। जो क्लास होगा वो हमारा बेसिक बेस्ड ऑन द सर्कल पे होगा, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि ब्रीथ क्या होता है, इस पे हम लोग क्लास है, इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। करीब के करीब आप लोग का क्वेश्चन कितना आएगा, मे बी आप लोग का 5 क्वेश्चन ऐसा रहेगा ऑब्जेक्टिव में सिर्फ रहेगा, ऑब्जेक्टिव में 5 क्वेश्चन रहेंगे और इसके अलावा सब्जेक्टिव में तुमको प्रूफ करने वाला के लिए रहेगा। जो सारा चीज हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, डिस्कशन करने के बाद उसके बारे में सारा डिटेल जानेंगे कि आखिर क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा, कौन सा क्वेश्चन होगा, कौन सा क्वेश्चन को छोड़ना, कौन सा क्वेश्चन को आपको लेके चलना, ठीक। तो सबसे पहले अब हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअल में क्या होता है, कि ब्रीथ क्या होता है, अब यहाँ फोकस करना, ठीक। चलो ध्यान से देखो, ब्रीथ क्या होता है सर, ब्रीथ क्या होता है, जिस प्रकार तुम लोग का इसको जानते हो, ये क्या है, किसी को पता है, ये तुम लोग का आयत है, क्या है, आयत। ये कैसा पिक्चर बताओ तो, बंद है या खुला है, बंद है। तो ये क्या है, तुम्हारे पास एक आयत है और ये कैसा है, बंद है। सेम इसमें क्या है सर, ये तुम्हारे पास लंबाई है और ये वाला क्या है सर, चौड़ाई। ये वाला लंबाई और ये वाला चौड़ाई, एल से क्या होता है, लेंथ होता है, और बी से क्या होता है सर, चौड़ाई होता है। तो ये भी तुम्हारा बंद फिगर है। इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं सर, ज्यामिति बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ज्यामिति। सेम इसी प्रकार तुम्हारे पास ब्रीथ भी क्या होता है सर, एक बंद फिगर होता है, क्या होता है, ब्रीथ भी एक बंद फिगर होता है। जैसे चूड़ी देखो कि लड़की लोग पहनते कैसे, तो गोल होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रीथ बोलते हैं, जिसके चारों तरफ से पूरा एरिया क्या होता है सर, बंद रहता है और अंदर में कुछ जगह होता है, तो उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रीथ। लेकिन एक चीज इसमें कि आयत में तुम्हारे पास लंबाई है चौड़ाई है, लेकिन इस चीज में लंबाई चौड़ाई नहीं होता, इसमें केवल से केवल एक चीज होता है सर, जिसका नाम क्या है सर, त्रिज्या होता है, क्या होता है सर, त्रिज्या होता है। दूसरा नाम क्या होता है सर, व्यास होता है, दो चीजों का होता है। इसके अलावा मेरे पास क्या होता है सर, जीवा होता है सर। इन चीजों के बारे में हमको पढ़ना डिटेल से, समझ पा रहा ना। तो सारा चीज बता रहे हैं कि त्रिज्या क्या है, व्यास क्या है और जीवा क्या है। सबसे पहले ब्रीथ के बारे में अगर तुमसे कोई पूछे भी तो एक ही चीज बोलना कि वह ऐसा बंद फिगर जिसकी ना तो लंबाई होती है ना तो उसकी चौड़ाई होती है, उसमें सिर्फ से सिर्फ क्या होता है सर, त्रिज्या होता है, समझ पा रहा ना। तो ब्रीथ कैसी फिगर है, एक बंद फिगर है, क्या सर, ब्रीथ एक बंद आकृति है जिसकी ना लंबाई ना चौड़ाई, सिर्फ क्या होता है सर, त्रिज्या होता है उसमें, ये वाला पॉइंट है, ठीक है सर। अब देखो ध्यान से देखो, अब त्रिज्या कहां से स्टार्ट होता है और ब्रीथ कैसे बनता है, तो उसके बारे में जानेंगे, ठीक सर। सबसे पहले देखो ये हम लोग का क्या होता है सर, एक ब्रीथ है, तो ब्रीथ का जो बीचों बीच में जो सेंटर पॉइंट आता है, बीचों बीच में जो आएगा हिस्सा, उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं सर, केंद्र बिंदु बोलते हैं या सेंटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं चटनी, केंद्र बिंदु या सेंटर बोलते हैं। जैसे तुम लोग देखते हो कभी कभी, जैसे कि तुम लोग का, जैसे कि हम लोग का इरबा बजाना कैसा है सर, ये सब चीज का सेंटर है ना, सब आदमी उधर से नेवरी वाला किधर आता है, इरबा का डांडा आता है, फिर भांटोली भी इधर आता है, रुका वाला सब कहां पे जाके मिलता है सर, बाजार डांडा के पास, वहीं पे तुमको सारा रास्ता मिलेगा। अगर तुमको कुटे, सॉरी, अगर तुमको कुटे तरफ जाना है तो वहीं पे आदमी मतलब मिलेगा, अगर तुमको उधर क्या बोलता है कोयना तरफ जाना तो वहीं से रास्ता पकड़ता है। तो ऐसा जगह जो सब तरफ से बराबर दूरी पे होता है, क्या सर, ऐसा पॉइंट जो सब तरफ से क्या होता है सर, बराबर होता है, तो उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं सर, केंद्र बिंदु। अभी केंद्र बिंदु क्या होता है सर, ध्यान से देखो, तो इसमें अगर यहां से भी लाइन खींचेंगे ना सर, तो ये वाला लाइन भी क्या होगा, बराबर। ये वाला लाइन यहां से खींचेंगे तो क्या होगा सर, ये वाला बराबर, ये वाला भी क्या होगा बराबर, ये वाला बराबर। जैसे गाड़ी देखा, गाड़ी, साइकिल, साइकिल सबसे सिंपल, साइकिल में तुम लोग देखा होगा स्पोक, जानता है स्पोक, स्पोक सब देखता है, एक इधर होता है, एक इधर होता है, एक इधर होता है, सबका साइज क्या होता है सर, स्पोक जब निकालता है ना देखना सबका साइज बराबर होता है। वो कैसा है सर, सर्कल का एग्जाम्पल है, चूड़ी तुम्हारा सर्कल का एग्जाम्पल, रोटी सर्कल का एग्जाम्पल है, जो गोल चीज दिखेगा उसको बोलते हैं ब्रीथ या सर्कल बोला जाता है, ये बात में समझ में। उसको जो बीचों बीच में सब तरफ से जो दूरी बराबर होता है, उस बीचों बीच वाला पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं सर, सेंटर बोलते हैं या केंद्र बिंदु बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इस वाला पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं सर, केंद्र बोलते हैं, केंद्र बिंदु बोलते हैं, या इसी को इंग्लिश नाम क्या होता है सर, सेंटर बोलते हैं। तुमसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव अगर बनाना चाहेगा जैक, तुमसे क्या पूछेगा कि सर्कल में कितने केंद्र बिंदु होते हैं, सर्कल में कितने केंद्र बिंदु होते सर, एकमात्र बिंदु होता है जो क्या करता है, सभी त्रिज्या को क्या करता है, मिलाता है। अब चलते हैं, हम लोग बात करते हैं त्रिज्या के बारे में, क्या सेंटर बिंदु समझ में आया, क्या आप लोगों को भी समझ में आया, अगर आप लोगों को समझ में आया चलिए आप आगे पॉइंट से बनते, ठीक है। ध्यान से देखो, मेरे पास त्रिज्या, त्रिज्या इस चीज के बारे में बात करते हैं सर, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं सर, रेडियस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेडियस। इसको दिखाते किससे सर, आर से दिखाते हैं, ठीक।
क्या होता है सर? सर्कल एक खींचे, सर्कल का बीचों बीच में कौन सा पॉइंट होता है? सेंटर पॉइंट होता है। सेंटर से इधर दूरी जाएंगे ना सर, तो ई वाला जो सेंटर से अगर ब्रीथ का एक किसी भी छोर में जाओ, किसी भी छोर समझ रहे, मतलब नॉर्थ में साउथ में, मतलब लेफ्ट राइट ऊपर नीचे किधर जाओ, सेंटर से अगर एक साइड जो दूरी खींचते हो ना सर, उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं सर? त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? त्रिज्या। तो ये जो सपोज करो इसको क्या मान लेते हैं ओ, इसको क्या मान लेते हैं बी, तो मेरे पास ये वाला जो दूरी होगा ना सर, ये वाला किनारे साइड, मतलब बीच से किनारे साइड अगर जाएंगे तो उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं सर? त्रिज्या बोलते हैं। क्या बात समझ में आए? तो तुमसे पूछ सकता है कि बताइए कि एक वृत्त में त्रिज्या कहां से खींचा जाता है, तो त्रिज्या कहां से खींच सकते हैं सर? सेंटर से या केंद्र बिंदु से, एक साइड का जो दूरी लंबाई होता है उस चीज को क्या बोलते हैं सर? त्रिज्या। अब तुमसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि बताइए एक वृत्त में कितनी त्रिज्या खींची जा सकती है? एक वृत्त में एक गोल है, जैसे तुम लोग लड़कियों लोग को या अम्मी लोग को बनाते हुए घर में देखा, ऐसे जैसे मतलब मेड़ने का काम उनका कपड़ा बनाती है, गोलोला में ऐसे ऐसे स्वेटर बनाने के लिए काम करती है, तो तुम देखना कैसे करती है सर? एक बड़ा सा गोलोला लेती है, फिर यहाँ से एक बीच में यहाँ धागा लेती है, यहाँ धागा, यहाँ धागा, यहाँ धागा, यहाँ ऐसे डिजाइन बनाती है। तो कहने का मतलब होता है सर कि एक वृत्त में हम लोग कितना सर? बहुत सारा हम लोग त्रिज्या खींच सकते हैं। अब वो कैसे देखते हैं ध्यान से सर। यहाँ पे एक मेरे पास क्या सेंटर, सेंटर अभी सर, तो यहां से यहां तक एक साइड खींचे, एक उधर खींच दिए, एक इधर खींच दिए, एक इधर, कितना हुआ? चार। एक इधर, एक इधर, छह, सात, आठ। फिर यहां से खींचे, ये हम थोड़ा सा गलत कर रहे हैं, थोड़ा सा स्केल के वजह से करते हैं। तो मतलब इसमें तुम अनगिनत तुम खींच सकते त्रिज्या, मतलब तुम क्या कर सकते हो कि एक वृत्त में कितनी त्रिज्या खींची जा सकती है सर? अनंत त्रिज्या खींची जा सकती है। समझ में आ रहा ना? तो तुमसे ये पहला क्वेश्चन क्या होगा सर? त्रिज्या क्या होता है? तो किसी भी वृत्त के केंद्र से एक साइड का जो दूरी होता है सर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? त्रिज्या। और एक वृत्त में कितनी त्रिज्या खींची जा सकती है सर? अनंत खींची जा सकती है। समझ में आया ना? यहाँ तक दिक्कत किसी को समझ, अगर नहीं समझ में आया तो बताओ, हम क्लियर करेंगे, क्योंकि आज जो मेरा क्लास होगा नहीं, ये क्लास समझ लो हम डर नहीं है, हमको डर एकदम नहीं लग रहा, और हमको यही चाहेंगे कि तुम लोग को क्लियर होना चाहिए, वो सब बाद में कटा जाएगा। बताओ किसी को क्लियर हुआ या नहीं हुआ? और नहीं हुआ तो बोलो प्लीज। अब सर त्रिज्या कहने का मतलब सिंपल सा बात, जो सेंटर से निकलेगा, सेंटर मतलब समझ रहे ना, बीच से जो लाइन सीधा मतलब साइड में खिंचाएगा, साइड मतलब समझ रहे, इधर खिंचाएगा, इधर खिंचाएगा, तो ये वाला क्या हो जाएगा सर? त्रिज्या हो जाएगा। ठीक सर, अब उसके बाद चलते हैं सेकंड पॉइंट मेरे पास क्या है सर? व्यास के बारे में जानते हैं। तो ठीक है, थोड़ा सा इसको मिटाना पड़ेगा, तो मिटाते हैं थोड़ा सा। चलो, तो एक वृत्त पर कितनी त्रिज्या खींची जा सकती है सर? अनंत खींची जा सकती है। और केंद्र से तुम्हारे पास कहां सर? केंद्र से अगर तुम्हारे पास किसी भी दिशा में अगर तुम लाइन खींचते हो सीधा, तो उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं सर? त्रिज्या बोलते हैं। तो इसको ऑब्जेक्टिव के तौर पर तुम लोग को लिखवा देते हैं कि अगर, अगर लिख लेना इसको तुम लोग, अगर किसी वृत्त के, वृत्त के केंद्र से किसी छोर पर, किसी छोर पर डाला गया लंब, क्या कहलाता है सर? वृत्त का केंद्र से वृत्त को कोई भी छोर में तुम अगर एक लाइन खींच रहे हो सीधा, तो उस लंब को, जो लंब होता है वो लाइन होता है, उस चीज को हम क्या बोलते हैं सर? त्रिज्या कहते हैं। पहला पॉइंट ये हो गया। और दूसरा चीज क्या होता है सर? केंद्र से, केंद्र से वृत्त की किसी भी छोर पर, किसी भी छोर पर, छोर पर डाला गया, डाला गया लंब कितना कोण बनाता है, कितना कोण बनाता है, कितना कोण बनाता है? क्या बोला? एक वृत्त है, सपोज करो तुम्हारे पास ये वृत्त है, अब वृत्त का सेंटर क्या है? यहां पे ध्यान से देखो, तो इस एक सीधा लाइन खींचो, तो ये यहाँ पे कितना डिग्री एंगल बना रहा है? 90 डिग्री का बनाता है सर। कहीं पे अगर केंद्र से हम लोग कोई भी डायरेक्शन में अगर त्रिज्या खींचते हैं सर, तो हमेशा कितना डिग्री कोण बनाता है सर? 90 डिग्री कोण। तो अगर तुमसे पूछा जाए केंद्र से वृत्त की किसी भी छोर पर डाला गया लंब कितना डिग्री कोण बनाता है सर? 90 डिग्री। तो मेरे पास दूसरा ऑब्जेक्टिव मेरे पास क्या बन गया सर? कि 90 डिग्री का कोण बनाता है। समझ में आ रहा ना? चलो ध्यान से, एक वृत्त पर कितनी त्रिज्या खींची जा सकती है? एक वृत्त पर कितनी त्रिज्या खींची जा सकती है? कितना खींची जा सकती है सर? अनंत खींची जा सकती है।
ये तुम्हारे पास किसके बारे में था सर? त्रिज्या के बारे में था। और त्रिज्या कहां से खींचा जाता सर? सेंटर से, कोई भी दिशा में वृत्त का कोई भी छोर में ले जाएंगे सर, वो क्या कहलाता सर? त्रिज्या कहलाता। अब चलते थोड़ा व्यास के बारे में बात करते हैं। व्यास, व्यास को क्या बोलते हैं सर? इंग्लिश में डायमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? डायमीटर। और इसी को कभी कभी इंग्लिश में आजकल क्या बोलते हैं, फेमस लैंग्वेज क्या है? डाया होता। कभी भी पाइप लेने जाओगे ना सर, तो वहां पे क्या पूछा जाता? पूछता कितना मीटर पाइप लोगे? नहीं बोलता। वहां पे क्या बोलता सर? कि कितना डायगर पाइप चाहिए, 10 mm का चाहिए या 7 mm का या 8 mm का या 2 mm का, ऐसे करके पूछता है। वहां पे कभी भी जैसे तुम कपड़ा लेने जाते हो तो तुमसे क्या पूछा जाता? कितना मीटर चाहिए। उसी प्रकार किसी भी पाइप का अगर उसका साइज को, पाइप का अगर लेना है, बड़ा छोटा पाइप लेना है, तो वहां पे हम लोग पाइप का कलर के हिसाब से बात नहीं करते, वहां पे किसके हिसाब से बात किया जाता है? डाया के हिसाब से। तो डाया करने का मतलब क्या होता है सर? कि तुम्हारे पास एक ब्रीथ है ना सर, तो ब्रीथ का बीचों बीच में कौन चीज होता है? सेंटर, इसको क्या मान लेते हैं? सी। और एक हम लोग क्या बोले कि सेंटर से एक साइड का दूरी, इसको क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। और इधर भी अगर सेंटर से लाइन खींच दो तो ये भी क्या होगा? त्रिज्या होगा। अब जो होता है सर, इस पॉइंट को क्या मान लो? ए। और इस पॉइंट को क्या मान लो? बी। तो ए से बी तक, ए से सी तक की दूरी को क्या बोलते थे? त्रिज्या। और सी से इधर वाला दूरी क्या था? त्रिज्या। तो ए से डायरेक्ट जो दूरी होता है ना सर बी तक का, उस दूरी को हम क्या बोलते हैं सर? उसको बोलते हैं व्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यास। या उसी को क्या बोलते हैं? डाया बोलते हैं। फिर से एक बार, ये वाला जो पार्ट होगा सर, ये वाला क्या होगा सर? व्यास। मतलब ब्रीथ का, देखो अब ब्रीथ का कौन कौन सा छोर बता दो, लाइन खींचे यहाँ पे कौन सा? ए है ना, और यहाँ पे कौन सी है? बी। मतलब ए से बी तक सीधा लाइन जा रहा है, देखो तो आप सर, ए से बी से मतलब ए से मतलब कहां से जा रहा? ए से जा रहा और कहां से गुजर रहा? बीचों बीच से जा रहा और कहां कहां तक जा रहा? बी तक। तो जो रेखा मतलब जो लाइन एक छोर से दूसरा छोर जाके मिल जाए, मतलब मतलब एक छोर से मतलब ब्रीथ का एक छोर से दूसरा छोर में जाके मिल जाए, लेकिन कहां से गुजरे सर? सेंटर से गुजरे, केंद्र बिंदु से गुजरे, चटनी, उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं सर? व्यास बोलते हैं। जब वैसा सीधा रेखा जो ब्रीथ का एक छोर को दूसरा छोर से मिला दे, क्या करे? मिला दे। लेकिन एक शर्त बात है सर कि भाई बीचों बीच से ही जाना चाहिए, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? व्यास बोलते हैं। समझ में आ रहा ना? तो व्यास क्या होता है सर? कि ब्रीथ का एक छोर को दूसरे छोर से मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं सर? व्यास कहते हैं। और जो कहां से गुजरता है सर? सेंटर से होके गुजरेगा, वही चीज क्या कहलाता है सर? व्यास। तुमसे क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, बोलेगा व्यास किसे कहते हैं, बोलेगा कि मतलब ऑप्शन दे देगा कि व्यास किसे कहते हैं, ऑप्शन देगा वैसी रेखा जो केंद्र को एक छोर से मिलाता, दूसरा बोल देगा कि वो वैसी रेखा जो एक छोर को दूसरा छोर से मिलाता, तीसरा बोल देगा इनमें से कोई नहीं, चौथा बोलेगा दोनों होगा। किसको मानोगे? दोनों होगा। नहीं सर, उस वाला होगा जो बोलेगा कि सर एक छोर को दूसरे छोर से मिलाता है। कुछ समझा? देखो ध्यान से, पहला बोला कि व्यास किसे कहते हैं, व्यास किसे कहते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या बोला सर? एक छोर को, किसको सर? एक छोर को दूसरे छोर से, ठीक सर। दूसरा ऑप्शन बोला केंद्र से एक छोर। तीसरा ऑप्शन क्या बोला कि ए और बी दोनों होगा, मतलब एक वाला आंसर और दो वाला आंसर दोनों सही होगा। चौथा बोला कोई नहीं। क्या बोलेगा? कोई नहीं। अब ध्यान से देखो, जैसा कि हम बताए थे क्या कि व्यास क्या होता है सर? कि जो रेखा ब्रीथ का एक छोर को दूसरा छोर से सीधा सीधे मिला दे, लेकिन कहां से गुजरेगा सर? केंद्र से। उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं सर? व्यास कहते हैं। मेरा क्वेश्चन क्या बोला? व्यास किसे कहते हैं? बोल रहा है एक छोर को दूसरा छोर से मिलाने वाला, दूसरा बोल रहा है केंद्र से एक साइड को मिलाने वाला, तीसरा बोल रहा है एक और दो दोनों सही होगा, और तीसरा चौथा क्या बोल रहा है? इनमें से कोई नहीं। तो मेरे पास हम लोग व्यास के बारे में क्या पढ़े कि मतलब जो एक छोर को दूसरा छोर से मिला दे, तो वो रेखा को हम क्या बोलते हैं? व्यास। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बताओ? वन नंबर। समझ में आना? तो व्यास क्या होता है सर? जो रेखा, क्या सर? जो रेखा किसी ब्रीथ का एक छोर को, किसको सर? एक छोर को दूसरे छोर से, किससे सर? दूसरे छोर से मिलाता है, दूसरे छोर से मिलाता है लेकिन एक शर्त है, लेकिन केंद्र से होकर जाए। तो मतलब क्या कह सकते हैं सर कि एक ब्रीथ पर मतलब क्या होता है ब्रीथ व्यास क्या होता है कि वैसी सीधी रेखा, स्ट्रेट लाइन, सीधा लाइन जो क्या करता है ब्रीथ के एक छोर को दूसरे छोर से मिलाए, लेकिन कहां से गुजरे सर? एक शर्त क्या है सर? ये वाला पार्ट केंद्र से गुजरे। तो उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं आप सर? व्यास कहते हैं। क्या समझ में आया तुम लोगों को?
यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? समझ में आया, इसको नोट डाउन करो, इसके बाद इसको क्वेश्चन करते हैं। मेरे पास क्या हुआ, ब्यास हमको समझ में आ गया कि एक छोर से दूसरे छोर को मिलाने वाला जो सीधा रेखा होता है उसको हम क्या बोलते हैं सर, ब्यास बोलते हैं। अब ब्यास का भी ऑब्जेक्टिव बना लेते हैं। तुम लोग ध्यान से देखो कि ब्यास क्या हो रहा है सर, कि एक छोर को दूसरा छोर से मिला रहा, बीच वाला क्या होता है सर सेंटर, ये वाला पार्ट क्या एक छोर और ये वाला दूसरा छोर, समझ में आ रहा? तो मतलब यहां से और सेंटर से एक साइड का जो दूरी होता है उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं सर, त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यहां से यहां वाला पार्ट क्या होता है सर, आर, और यहां से यहां तक वाला पार्ट भी क्या होता है सर, आर होता है। ठीक, अरे टोटल यहां से यहां तक का दूरी क्या होता है सर, व्यास होता है। ठीक है, अब देखो ध्यान से ऑब्जेक्टिव क्या बनेगा कि तुम सबसे पहली बात बोलेगा कि एक वृत्त पर कितनी व्यास खींची जा सकती है, एक वृत्त पर कितनी व्यास खींची जा सकती है। तो जैसे तुम लोगों को पता है कि एक वृत्त बना लो, अब तुम यहां पे ध्यान से देखो, एक वृत्त एक व्यास हो गया, दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह, इसमें भी क्या सकता है, बहुत सारा खींचा जा सकता है। तो मतलब एक वृत्त पर कितनी व्यास खींची जा सकती है, कितनी व्यास खींची जा सकती है, खींची जा सकती है, तो कितनी व्यास खींची जा सकती है सर, इसका अनंत क्या होगा सर, अनंत होगा सर। कोई दिक्कत? दूसरी बात, फिर तुमको एक क्वेश्चन क्या पूछेगा कि किसी भी वृत्त पर खींची गई व्यास दोनों छोर पर कितना कोण बनाती है, कितना डिग्री कोण बनाता है बताओ। 90। कैसे सर? 90। ध्यान से देखो, ये मेरे पास एक व्यास खींचे, ध्यान से देखो तो तब क्या हो रहा है सर, 90 डिग्री कोण बना रहा। तो ये भी व्यास भी कितना डिग्री कोण बनाता सर, 90 डिग्री। अब तुमसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि बताइए वृत्त के व्यास और त्रिज्या में क्या संबंध है, क्या बोला वृत्त का त्रिज्या और व्यास में क्या संबंध है। संबंध कहने का मतलब वो पूछ रहा है कि डी और आर के बीच में कितना रिलेशन, जैसे हम लोग पढ़ते हैं मेरे पास क्या होता है सर, एफ इज इक्वल टू, जैसे हम लोग साइंस में कभी पढ़े पी बराबर क्या होता है सर, एक फॉर्मूला हम लोग का, जैसे कि तुम्हारे पास वी इज इक्वल टू क्या पढ़े साइंस में, आईआर होता, इसका मतलब क्या होता है कि वोल्टेज किसके बराबर होता है सर, करंट का, और तुम्हारे पास प्रतिरोध के बराबर होता है। उसी प्रकार डी और आर में क्या रिलेशन है वो पूछ रहा है। तो जैसे कि मान चलो, जैसे कि तुम्हारे अब्बू हमारे अब्बू मम्मी रिलेशन क्या होता है, दूसरे क्या होता है बताओ, तुम्हारे अब्बू और तुम्हारे अम्मी में क्या क्या रिलेशन है बताओ, क्या रिलेशन कि मियां बीबी का दोनों का है। अगर बोला जाए तो उर्दू में मियां बीबी बोलोगे, इंग्लिश में हस्बैंड वाइफ बोलोगे, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पति पत्नी बोल। क्या क्यों किसी भी कोई लड़का कोई लड़की को हम लोग पति पत्नी बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। क्यों? जब तक कोई शादी नहीं करते तब तक वो पति पत्नी नहीं होते हैं। सेम उसी प्रकार डी आर आर में क्या संबंध, हमने तो डी भी खींच दिए वृत्त में, आर भी खींच दिए, लेकिन डी आर आर में कितना संबंध है, कौन किसके बराबर है, कौन कितना गुना है, उसके बारे में पूछा जा सकता है। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले इसका वेरिफिकेशन करते हैं, क्या करते हैं वेरिफिकेशन करते हैं। देखो ध्यान से, ए से बी का दूरी कैसे है सर, एक बात कैसे लिखे, देखो तो ध्यान से डी लिखे ना, ए से बी का दूरी ये क्या हो गया बराबर, इसको हाँ सर इसको उतार के यहाँ पे रख दिए। ठीक, अब देखो ए से बी एक क्या है व्यास है, वृत्त का व्यास, और उसको क्या बोलते हैं सर, डी बोलते हैं। अब ध्यान से देखो तो बीचों बीच में कौन सी है बताओ, तो केंद्र बिंदु, और उस केंद्र बिंदु का नाम क्या है मेरे पास, सी है। अब देखो ए से सी का दूरी कितना मान के चल रहे, आर, और केंद्र इस केंद्र देखो एक छोर से केंद्र की दूरी कितना हो गया आर, और फिर केंद्र से एक छोर की दूरी कितना हो गया वो भी आर हो गया, है कि नहीं। अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो क्या ए बी को तोड़ तोड़ के लिख सकते हैं, अगर मान चलो ए बी दूरी है उसको एक बार, जैसे कि मान चलो कोई मेरे क्लास में दो आदमी है, कौन कौन है, यासिर है और एक अरमान बाबू है। अब अरमान कौन है हमको भी नहीं पता, अगर यासिर उसका टांग बड़का बड़का लंबा है, अगर यासिर को दौड़ा देंगे यहां से तो एक बार पहुंच जाएगा, लेकिन कोई मतलब छोटा सा नाटा आदमी है अगर उसको बोलेंगे बाबू छलांग लगा तो क्या करेगा, पहले तो ये बोलेंगे बाबू पहले जाबो रे यार यहाँ जाबो, उकर बाद उकर रे से कर जाएंगे, मतलब क्या होगा पहले कहां जाएगा, ए से सी जाएगा और सी से बी डी जाएगा, मतलब ए से सी और सी से कहां जाएगा सर, बी, मतलब जो दूरी को यासिर एक बार में तय करेगा उसको अरमान मियां कितना बार में तय करेगा, दो बार में करेगा। तो ए बी की दूरी कितना सर मेरे पास, डी, और ए से सी का दूरी कितना, ए से सी का दूरी आर, आर। ध्यान से देखो, इधर ध्यान दो, ए से सी का दूरी देखो यहाँ पे क्या लिखे आर लिखे, तो ये आर है, यहाँ भी देख लो क्या लिखा है, आर है। फिर बताओ तो सिर्फ सी से बी का दूरी कितना लिखे, आर,
आर लिखिए, मतलब ये वाला दूरी कितना आर, तो डी बराबर मेरे पास कितना हो गया आर आर टू आर ट्रिपल आर मत बोलना, तो डी बराबर कितना आ गया टू आर। अब ध्यान से देखो तो डी किसको बोलते हैं सर, वृत्त का व्यास होता है और टू मतलब टू, और यहाँ पे गुना चिन्ह छिपा हो, जब भी कोई लेटर या नंबर रहता है तो ये चीज याद रखना तुम लोग मैथ्स में कि सर उसके बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है। ठीक, अब उसके बाद देखो आर किसको बोलते हैं सर, त्रिज्या। तो क्या हो रहा है सर कि किसी भी वृत्त का व्यास अपने त्रिज्या का कितना गुना है सर, दो गुना होता है हमेशा, क्या होता है सर दो गुना। और इसका इस्तेमाल तुम लोग देखे भी हो लाइट चैप्टर में, जब न्यूमेरिकल बनाते थे क्या था वहां पे आर इज इक्वल टू टू एफ था, ये फॉर्मूला इसी की वजह से बना हुआ है। ठीक है, तो किसी भी वृत्त का व्यास अपने त्रिज्या का कितना गुना होता है सर, दो गुना होता है, और ये फॉर्मूला है। तो पहला क्वेश्चन तुम्हारे पास, पहला दूसरा तीसरा, तीसरा नंबर का क्वेश्चन तुमको क्या बोल रहा, क्या हो जाएगा किसी वृत्त का व्यास, किसी वृत्त का व्यास और त्रिज्या में क्या संबंध है, क्या संबंध है, तो क्या संबंध हमको मिला सर, यहां देखो व्यास बराबर क्या मिल गया हमको, d बराबर फॉर्मूला क्या मिल गया सर 2r, मतलब इसका मतलब क्या हुआ सर कि किसी भी वृत्त का व्यास अपने त्रिज्या का, किसी भी वृत्त का व्यास अपने अपने त्रिज्या का दो गुना होता है, कितना होता है सर दो गुना होता है, समझ में आ रहा ना। तो मतलब अगर हम लोग बात करेंगे, अगर हमको त्रिज्या दे देगा 4 मीटर तो मेरा व्यास कितना होगा, अगर हमको दे दिया कि मतलब त्रिज्या यहां से यहां 4 है तो टोटल व्यास कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, मतलब उसका दुगुना कर देना, कभी भी कोई बोलेगा कि इतना त्रिज्या तो मतलब उसका ऑटोमेटिक क्या होगा सर दुगुना, क्योंकि हमको प्रूफ मिल चुका है या फॉर्मूला मिल चुका है कि डी इक्वल टू क्या होता है सर 2r, मतलब जितना भी त्रिज्या होगा उसका क्या करोगे डबल करोगे तो तुमको क्या मिल जाएगा सर व्यास मिल जाएगा, समझ में आ रहा। तो त्रिज्या और व्यास में इतने सारे कॉमन चीज था, इतने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, और ये तुम्हारे पास इंपॉर्टेंट होता है ऑब्जेक्टिव मैटर के लिए, तुमको ये क्वेश्चन घुमा के पूछ देगा कि मतलब अगर कोई व्यास को वृत्त पे खींचते हैं तो उसके छोर पे कितना डिग्री कोण बनता है। ठीक है सर, ये सर क्वेश्चन। अब उसके बाद चलते हैं हम लोग व्यास के जीवा के बारे में चलेंगे, जीवा एक नया वर्ड है, उसके बाद हम लोग चलेंगे थोड़ा सा प्रतिच्छेदी रेखा, छेदक रेखा और ये सब के बारे में। चलो मेरे पास जीवा क्या होता है, जीवा नाम से क्या चल रहा है सर, जीव मत समझ जाना, ये मेरे पास क्या है जीवा, जीवा है ब्रीथ है सर, क्या है सर ब्रीथ है। अब ब्रीथ का तुम्हारे पास सेंटर से एक साइड का दूरी क्या हुआ आर, और यहां से यहां तक का दूरी क्या हो गया सर व्यास हो गया, जिसको हम क्या बोलते हैं डी। अब जो क्या होता है सर जीवा, जीवा तुम्हारे पास क्या होता है वो भी तुमको क्या करता है ब्रीथ के दोनों छोर को मिलाता है, लेकिन एक बार जो लाइन होगा सर देखो ध्यान से, इस तुमको डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं, दो अलग अलग सर्कल लेते हैं, दो अलग अलग सर्कल, ठीक है ध्यान से देखो ये क्या है, यहां पे ध्यान से देखो ये भी वृत्त था ना और ये भी गोल था, ये भी चूड़ी था, ये भी चूड़ी था, ये भी गोल था, ये भी गोल था, ये भी रोटी, ये भी रोटी, समझ में दोनों में हम लोग सीधा सीधा लाइन खींचे, देखो ध्यान से एक जो लाइन है वो तुम्हारे पास क्या है एग्जैक्ट तुम्हारे बीचों बीच से जा रहा है, और एक जो लाइन है तुम्हारे पास कहां जा रहा है सर वो तुम्हारे पास नीचे साइड से जा रहा है, सेंटर से जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, ये जो लाइन है सर ये तुम्हारा एकदम बीचों बीच से जा रहा है, तो जो लाइन बीचों बीच से जाए और एकदम एक छोर को दूसरे छोर से मिला दे तो उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं सर व्यास बोलते हैं, समझ में आया कि एक छोर को दूसरा छोर से मिलाए वृत्त का, लेकिन वो कहां से गुजरे सर सेंटर से गुजरे तो उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं व्यास। अब जीवा के साथ क्या होता है सर दूसरा रिलेशन, ये भी क्या करता है सर ये एक छोर को दूसरा छोर से मिला रहा, देखो यहाँ पे वृत्त का छोर है और ये वृत्त का छोर है, लेकिन ये भैया जी कहां से जा रहा है सर साइड साइड जा रहा है, चुपे चुप निकल जाता है, देखना कभी कभी जो शेर होता है जो हीरो होता है वो किधर जाता है एकदम बीचे से पार हो जाता है, और जो थोड़ा क्या बोलते हैं कमजोर हीरो रहता है साइड साइड सुई करके निकल जाता है। ठीक है, और अक्सर आजकल लड़कों लोग सुई करके गाड़ी चलाते कैसा, लड़की लोग जहां देखा ना एक आध दो लड़के सुई करके कैसे निकले सीधे बीचे बीचे देखा वहां उसका बाप है ना और जान गया उसका बाप संगे आया है कैसे जाएगा अल्ले अल्ले करके निकल साइड से निकल जाता है, तो जो लाइन साइड से जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे सर जीवा, और जो बीचों बीच से जाए शेर की तरह जाए उसको क्या बोलेंगे सर व्यास। तो ये क्या होता है सर ये वाला पार्ट क्या होता है जीवा, और जो साइड बीचों बीच से जाए उसको बोलते हैं व्यास, तो किसी से डरे नहीं वो बीचों बीच से एकदम दो फाड़ा करके निकल जाए वो तुम्हारा क्या होगा व्यास, और जो क्या होता है सर अब किसी से तुम समझ लो इसको एक कहानी बताइए, तुम आम खा रहे ठीक है और तुमको कोई तुम्हारा आ गया तुम्हारा घर का ऐसा लड़का जिसको तुम पसंद है और तुमसे आम मांगा क्या करते हैं दोस्त लोग आ जाता है दोस्त लोग तो दे देता है, लड़की लोग के साथ होता है लड़की लोग क्या करते हैं जैसे कुछ खा रही ठीक है और उसके दोस्त आगे मांगने के लिए
पता है उन लोग कभी भी अपने राज के बाद किसी को नहीं बताते, कैसे करेगी अम्मा का ऊपर काट के देंगे तो हम लोग तो दोस्त है ना एकदम जी जान, अरे ले ले भाई खाए ले पूरे ऐसे बोलते ना, लेकिन लड़की लोग क्या बोलते थोड़ा सा ऊपर से अल्ले से काट के देंगे, चकता सा देंगे इतना दूर सा गुदा भी नहीं जाएगा, तो जब साइड से एकदम निकल जाएगा सर तो ये होगा जीवा, और जो दिल को चिड़ के निकल जाए वो होता है व्यास, समझ में आया ना। तो ब्यास तुम्हारा क्या होता है जो बीचों बीच दिल के चिड़के निकल जाए, और जीवा क्या होता है जो चकता लड़की लोग सर ऐसे एग्जांपल देवा जाती है कि नहीं, तो जीवा क्या होता है साइड, लेकिन दोनों में एक चीज सिमिलरिटीज है, अब देखो ध्यान से दोनों में क्या चीज समानता है सर, कि दोनों ही क्या करता है ब्रीद के दो छोर को मिलाता है, मिलाता है कि नहीं, तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, तो ब्रीद के जो केंद्र से होकर गुजरे उसको ब्यास, और जो ब्रीद के साइड से होकर गुजरे उसको बोलते हैं जीवा। तो तुमसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन क्या बनेगा सर, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में कॉर्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर कॉर्ड, ब्रीथ के जीवा किसे कहते हैं, ब्रीथ के जीवा किसे कहते हैं सर, तो वह सीधी रेखा कौन सा सर, वह सीधी रेखा जो ब्रीथ के एक छोर को दूसरे छोर से मिलाती है, लेकिन केंद्र से ना होकर, तो उस इसको क्या बोलते हैं सर जीवा बोलते हैं, समझ में आ रहा ना। अब दूसरा क्वेश्चन तुमको पूछेगा कि बताओ कि ब्रीद की सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है, जीवा का मतलब सिंपल सर जो एक छोर को दूसरा छोर से मिलाए, आज ब्यास किसको बोलते हैं जो मिलाए लेकिन कहां से जाए सर केंद्र से होकर, अब देखो अब ब्यास कैसे बोलते हैं सर, देखो ध्यान से ये मेरे पास क्या ब्रीद है, जीवा किसको बोले कि जो केंद्र पर एक छोर को दूसरा छोर से मतलब सॉरी जो ब्रीद का एक छोर को दूसरा छोर से मिला, तो मेरे पास ये वाला भी जीवा होगा ना, 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 ये वाला भी जीवा होगा, ये वाला करवा दे रहा है। अब तुम ध्यान से देखो तो एक वो लाइन तुमको बीचों बीच वाला बराबर बड़का दिख रहा है, कहाँ पर दिख रहा है ये वाला 1 2 3 4 5 6 मतलब 6 7 और यहाँ सातवां नंबर देखो तो ये तुम अब उसके बाद इधर से क्या हो रहा है धीरे धीरे घट रहा है, देखो इधर वाला क्या हो रहा है इधर, अगर इधर से चलेंगे तो ये भी घटेगा, इधर से चलेंगे तो क्या होगा बढ़ेगा, इधर से देखो तो सब लाइन में क्या हो रहा है सर बड़का हो रहा है, और फिर इधर से जा रहे हैं तो और क्या हो रहा है घट रहा, बीच वाला जो सातवां लाइन देखो तो ध्यान से ये क्या है सर सबसे बड़का लाइन दिख रहा ना, और ये बीच वाला क्या कहलाता है सर, इसका स्पेशल नाम क्या है सर ब्यास है, लेकिन ये ऑलरेडी इसका जात कौन सा है सर जीवा है, जीवा कहने का मतलब क्या होता है सर जो एक छोर को दूसरा छोर से मिला है, हमको ये मैटर नहीं करता कि बीच से जाए या बाहर से जाए या मतलब कहीं से भी जाए, लेकिन वो दो छोर को मिलाना चाहिए, मतलब क्या होता है सिंपल सा जीवा तो दो छोर को मिला है, वो बीच से जाता है साइड साइड जाता है या किनारे किनारे जाता है या स्विंग करके निकलता है, इट डजंट मैटर, मैटर ये करता है कि वो दोनों छोर को मिलाना चाहिए, तो दोनों छोर में सब लाइन मिला रहा और बीच में एक लाइन मिला जो सबसे बड़का दिख रहा है वो क्या होता है सर वो मतलब क्या कर रहा है वो भी जीवा है, लेकिन उसका एक स्पेशल नाम है, स्पेशल नाम क्या है सर उसका ब्यास है, हर फिल्म में क्या होता है सर विलन होता है, बहुत सारे विलन होता है ना, सबसे लास्ट में विलन आता है जो मेन विलन रहता है वो भी विलन होता है, लेकिन उसको क्या बोलते हैं हेड विलन बोलते हैं, बोलते कि नहीं विलन का समझ गुंडा गुंडा बहुत सारा रहता ना, देखना शुरू जब लड़ाई होता ना हीरोइन के पास किसको किसको भेजता एकदम छोटा वो लड़का जा मार गया तुम जाओ ना, लास्ट में कौन आता मेन गुंडा आता, तो जो सबसे मेन गुंडा होता है उसको हम क्या बोलते हैं सर मेन मेन गुंडा बोलते हैं, सबसे भयानक अमरीशपुरी नाम याद है सबसे लास्ट में मौत हो जाता बेचारा, हर फिल्म में सब एंड में सबसे पहले वो कोई ऐसा फिल्म नहीं है जहां पे मौत नहीं हुआ उसका, हर फिल्म में एक बार मौत जाता है जैसे ठाकुर तो गयो करण अर्जुन तो आई ऐसे करके ठीक, तो देखो ये सभी लाइन क्या है जीवा है, लेकिन बीच की सबसे बड़ी जो बीच में जो जीवा है ना उस जीवा का स्पेशल नाम क्या है सर ब्यास है, और वो सबसे बड़ी है, तो तुमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ब्रीद की सबसे बड़ी जीवा कौन सी है, तो ब्रीद की सबसे बड़ी जीवा कौन होती है सर बीच से जाने वाला लाइन, और बीच से जाने वाला लाइन को क्या नाम दिया गया सर स्पेशल ब्यास नाम दिया, क्या समझ में आया था, तो ब्रीद की सबसे बड़ी जीवा कौन सी है, तो कौन सा सर ब्यास, समझ में आया ना, ये तुम्हारा तीन टॉपिक यहाँ में से तुमको ऐसे क्लियर तुमको पूछा जा सकता है ब्रीद की सबसे बड़ी जीवा कौन सी है, तो क्या होगा सर ब्यास, और तुमको बोलेगा ब्रीद की सबसे बड़ी सबसे छोटी जीवा कौन सी है जीवा कांट पॉसिबल,
कभी भी हो ही नहीं सकता, कितना बड़ा हमको कोई डिफाइन नहीं कर सकते, बड़का तो पता लग छोटका जीव जान सकते यहाँ पर भी हो सकता था इसी भी सकते। तो छोटका जीव हमको पता नहीं कर सकते लेकिन बड़का जीव हमको याद पता कर सकते हैं। और बड़का जीवा कहाँ पे आता है? बीचों बीच में आता है, समझ में आ ना? तो बड़का छोटा जीवा नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, नहीं हो सकता क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन एकदम लिख के रख लो, जान लो ये क्वेश्चन पूछा जाता, पूछा भी पिछले बार के क्वेश्चन में जैक में, समझ में आ ना? तो सबसे बड़ी क्यों अरे चलो वो सब मैटर कर, तो सबसे बड़ी जीवा कौन सा होगा सर? तुम्हारे पास व्यास होगा। ठीक, क्या इतना तक सही क्लियर हुआ तुम लोग को? आगे पढ़ाए छेदक रेखा प्रतिच्छेदी रेखा, चलो ठीक सर। स्पर्श रेखा उसके बाद छेदी रेखा पढ़ेंगे। स्पर्श रेखा को क्या बोलते हैं सर? टेंजेंट बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं सर? टेंजेंट। अभी सर क्या बोलते हैं? टेंजेंट। अब देखो टेंजेंट लाइन क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट टर्म भी है, तुम लोग को पढ़ाया जा चुका है, ध्यान से देखना। ये क्या है सर? ब्रेक। अभी तक क्या क्या समझे हम लोग सर? सेंटर से एक साइड का दूरी होगा त्रिज्या, सेंटर से मतलब एक छोर से दूसरा छोर चल जा व्यास, और अगर सेंटर से नहीं जाए साइड से जा जीवा हो गया सर। अब जो करेंगे सर, अब ए का ऐसा वृत्त लें, अच्छा वृत्त लग रहे हैं अंडा जैसा लग चपटा हो गया, अरे जाने दो यार, ध्यान से देखो। अब जो एक लाइन होगा जो ब्रीथ को क्या करेगा सर? बाहर से छू के निकलेगा। हाँ सर, सब चीज बता रहे। चलो जो भी, चलो समझ लो, ब्रीथ एक हो और ब्रीथ को क्या करें सर? बाहर से छू के निकला। स्पर्श का मतलब होता है सर छूना, अनुभव करना, स्पर्श करना है। जैसे तुम लोग सब अक्सर सुने अपने हिंदू दोस्त के बारे में सुने होंगे, वहां पे बोलता है चरण स्पर्श करना चाहता हूं, क्या उसका पैर को खींचता है पकड़ के, उसका चरण को कहने को उसके पैर वैसे करता है, छूता है खाली, टच करता है, टचिंग। अब बोला एहसास मत समझना, टचिंग केवल करता है, ठीक है? मतलब क्या करता है? छू से, छू कर बाहर से निकल जाता है। तो वैसी रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? जैसे ना कोई अच्छा बात बोलता है, आप सब लोग देते हो, आप सब लोग कोई अच्छा बयान सुनाता है तो क्या बोलते हैं? उकर बात दिल के छुई के निकल गया है हमारे से। कहां से निकल गया? दिल के छुई के निकल गया। उसको दिल को निकाल के देखता है नहीं, उसका वो जो बात बोलता है ना वो बात उसको अच्छा लग जाता है, मतलब उसको जच जाता है। तो जो लाइन क्या करता है ना सर? ब्रीथ के बाहर वाले टच को क्या करता है? बाहर वाले पार्ट को क्या करता है? छू के निकल जाता। जैसे देखो ये ब्रीथ है तुम लोग का, अब ब्रीथ का ये बाहर में छोर में एक लाइन खींच रहे हैं, तो ये जो लाइन हो रहा है ब्रीथ के अंदर जा रहा क्या? नहीं जा रहा। तो जो बाहरे बाहर में, मतलब जो बाहरे बाहर में क्या करता है सर? छू के निकल जाता है, उस रेखा को क्या बोलते हैं सर? स्पर्श रेखा। जैसे तुम लोग शादी में, जैसे कभी कभी क्या होता है सर, फूफा नाना दादा दादी आता है, ठीक, किसी को घुसवा देता है, भतीजवन क्या होता है? घुसवा देता है, नहीं खावे, बाहरे बाहर निकल जा, खाना पीना नहीं खाता, और बोलता जा तुम खा खाना पीना। जैसे फूफा लोग को कभी कभी घुसवा देता है, तो फूफा लोग जैसे दमाद होता घर का, तो उन लोग को घुसवा दोगे ना, उन लोग अपने तुम लोग फूफी लोग क्या बोलेगा? जा खाई तो अपन खाना पीना, तो घर आई तो हम नहीं खाबो, हम इतने से घर से जा, इतने से निकल घर जब भागबो, हम बरातो नहीं जाबो। मतलब वो क्या करता है? घर भी नहीं घुसता, घर के बाहर बाहर खाता चला जाता है। तो समझ है वैसे ही, मतलब ये क्या तुम लोग का घर है, और ये तुम्हारा कौन जी? फूफा जी है। फूफा जी घर में नहीं घुसे और बाहर से निकल गए, तो ये कहा जाएगा सर? खाली उसमें मतलब हाँ पता चला कि फूफा जी आए थे। तो ऐसे कहने का मतलब क्या होता है कि जब तुम्हारा एक ब्रीथ हो और ब्रीथ के बाहर से छोड़ के एक सीधा लाइन टच करते हुए निकल जाए, तो इसको क्या बोलते हैं सर? स्पर्श रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? स्पर्श रेखा, स्पर्श, या इसी को क्या बोलते सर? टचिंग लाइन बोले, क्या बोलते मेरा भाषा में? टचिंग लाइन। अब कुछ और मत समझना, ठीक है? टचिंग लाइन है, या इसी को हम लोग बोलते हैं टेंजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? टेंजेंट। अब ध्यान से देखो, एक रेखा ब्रीथ पर अगर रख रहे हैं तो कितना जगह पे टच कर रहा था? ये जो है लाइन, सीधा लाइन ब्रीथ को कितना जगह पे टच कर रहा? ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, कितना जगह पे टच कर रहा? दो जगह पे टच कर रहा। तो स्पर्श रेखा क्या होता है सर? एक ही जगह पे टच करता है। थोड़ा सा मेरा फिगर थोड़ा सा सही है, ध्यान से देखना, एक लाइन खींचते हैं, ये देखो। अगर लेकिन ऐसे करेंगे ना सर, अगर ये रेखा के बारे में बात करेंगे ना, ये वाला, तब हम लोग बोलेंगे क्या? दो जगह पे टच कर रहा, लेकिन ये कहां से? एक ही जगह पे घुस रहा, देखो। तो जो रेखा क्या करता है सर? बाहर से टच करके ब्रीथ को निकल जाए, तो वैसी रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं सर? स्पर्श रेखा। और कितना बिंदु पर टच करता है सर? एक बिंदु पर। तो ये क्या है सर तुम्हारे पास? स्पर्श रेखा है सर। हाँ।
और ये जहां पे टच कर रहा इसको क्या बोलते हैं सर, स्पर्श बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? स्पर्श बिंदु बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये जो कॉमन इसको क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ बिंदु बोला जाता है। क्या बोलते हैं? उभयनिष्ठ बिंदु। आप उभयनिष्ठ बिंदु का मतलब समझ रहे हैं कि कहने का मतलब इसको कॉमन पॉइंट समझते हैं। क्या सर? कॉमन। देखो ये जो बिंदु है, वृत्त भी उसी से गुजर रहा है, उस बिंदु से, और ये लाइन भी क्या कर रहा है, उसी से गुजर। तो जो बिंदु एक ही पॉइंट से गुजरता है, समझ रहे, जैसे कहने का मतलब मान के चलो कि मेरा और मेरे दोस्त का दोनों का शादी एक ही घर में हो गया। किसका घर में? एक ही घर में हो गया। और दोनों की जो मतलब हम लोग दोनों की बीवी थी, तो उसकी वहां मतलब दोनों बीवी के आपस में बहन थी, तो हम लोग दोनों को ससुराल कहां पे हो गया? एक ही जगह पे हुआ। तो जब दोनों पॉइंट या तीनों पॉइंट एक ही जगह पे आता, तो वैसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमन। या तुम लोग कभी कभी देखते हो कि तुम लोग दोस्ती यारी कब करते हो? जब तुम्हारा ख्याल किसी से मिलता नहीं बोलता उनका, हमारे में एक चीज कॉमन हो, हम इन ज्यादा हम फिल्म नहीं देखते था, या हम लोग ज्यादा इधर उधर घूमते नहीं, हम लोग पढ़ने में ऐसे ध्यान देते हैं, या हम लोग ज्यादा पैसा उसका खर्चा नहीं करते। तो जब किसी दो व्यक्ति या किसी भी चीज में कुछ कुछ ना कुछ सेम चीज मिलता हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं सर? कॉमन। जैसे तुम्हारा हर इंसान में क्या चीज कॉमन है बताओ तो? हर इंसान में क्या कॉमन है? तुम्हारे दोस्त में क्या कॉमन है कि तुम और तुम्हारा दोस्त एक इंसान हो, मर्द हो या लड़का हो? लेकिन अगर हम तुमको बोलेंगे कि तुम और तुम्हारे बहन में कुछ चीज कॉमन है, नहीं, वो क्या है तुम्हारी? वो तो लड़की जात की और तुम क्या? लड़का। या तुम देखते हो कॉमन कहने का मतलब, और तुम समझ सकते हो कि जैसे तुम्हारे तुम्हारे बोली किसी का व्यवहार क्या होता है सर? देखना तुम दो भाई रहते हैं और दोनों भाई का मतलब व्यवहार एक जैसा होता है, हम लोग बोलते हैं दोनों में बहुत सारा कॉमन मिला होगा, बहुत अच्छा व्यवहार है इन लोग का। तो कॉमन का मतलब जो चीज क्वालिटी एक दूसरे से मैच करता हो, क्या करता? मैच करता हो, तो उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं सर? कॉमन बोलते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, तो स्पर्श रेखा किसको बोलेंगे? वैसा सीधा रेखा जो वृत्त के बाहरी छोर को क्या करे सर? स्पर्श करके निकल जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? स्पर्श रेखा बोलते हैं। और जिस बिंदु पर टच करते हैं उसको बोलते हैं स्पर्श बिंदु। तो तुमसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? वृत्त के बाहरी छोर को स्पर्श करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? स्पर्श। बहुत अच्छा, एक ऑब्जेक्टिव बन सकता है। बोलेगा वृत्त के जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श करती है उसे क्या कहते हैं? उसे एक चीज बताओ, देखते हैं एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? एक वृत्त पर कितना स्पर्श रेखा? हाँ, एक वृत्त है, गोल है, उसमें कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? मतलब बाहर से टचिंग करके एक वृत्त है, दूसरा लाइन से देखो, दो गो, तीन गो, चार गो, पांच गो, छह गो, सात गो, आठ गो, नौ। मतलब अगर कभी भी एग्जाम में तुमको ऐसा क्वेश्चन आए और तुमको एकदम याद नहीं, सिंपल सा क्या करना, ड्रॉ करना और उसमें खींचते चलना, तुम देखना कि अनंत सारा खींच सकता है। तो कितना खींची जा सकती है सर? एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा? तो स्पर्श रेखा कितना आंसर होगा इसका? अनंत होगा आंसर। क्या होगा सर? अनंत। दूसरी चीज बताना कि एक वृत्त पर जो स्पर्श रेखा खींचते हैं, स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु के बीच में, सॉरी, स्पर्श रेखा और वृत्त के बीच का जो बिंदु होता है उसे कौन चीज बोलते हैं? कौन सी? स्पर्श रेखा, ये हो गया, सॉरी, ये वृत्त हो गया। हाँ। और ये दूसरा लाइन चलता है, ठीक है, दूसरा, ये तुम्हारा वृत्त। अब वृत्त और स्पर्श रेखा के बीच में जो बिंदु आता है उस बिंदु को क्या बोलते हैं? स्पर्श बिंदु। ये तुमको पता, वैसा कॉमन नहीं क्वेश्चन, तुम उभयनिष्ठ वाला वर्ड डालेगा, क्या डालेगा? उभयनिष्ठ वाला। तो उभयनिष्ठ का कभी भी बोलेगा तो उसका मतलब होता है सर कॉमन पॉइंट होता है। क्या होता है? कॉमन पॉइंट, ऐसा पॉइंट। देखो अगर यहाँ पे हम लोग पॉइंट डालेंगे तो वो पॉइंट किस में आएगा सर? इसका ऑपरेशन, यहाँ पे जो पॉइंट डालेंगे, तो अगर इसको हम लोग ऐसे करके छोड़, इसको ऑपरेशन करो, कुछ ऐसे नजर आएगा सर, ये पॉइंट यहाँ पर भी आएगा और फिर उसके बाद क्या होगा सर? एक लाइन में भी आएगा। तो ये जो दिख रहा ना, ये सारा पॉइंट, ये जो पॉइंट है ना सर,
इस पॉइंट दोनों के लिए कॉमन आ रहा ना, तो इसी कॉमन पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ बिंदु बोलते हैं। ठीक है सर। तो वृत्त तथा क्या सर, वृत्त तथा स्पर्श रेखा के बीच की उभयनिष्ठ बिंदु कॉमन बिंदु है। हाँ, इसको इंग्लिश में यहाँ पे ब्रैकेट में दे देते हैं, कॉमन बिंदु, उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, तो क्या नाम है उसका सर, स्पर्श बिंदु होता। ठीक है सर। तो ये तुम्हारे पास इस प्रकार का है। तो फाइनली गाइस हम लोग क्या किए कि आज जो मतलब वृत्त के बारे में जितना जानना था, वृत्त के बारे में जितना क्वेश्चन आ सकता था उतने क्वेश्चन को हम लोगों ने क्या किया, कंप्लीट किया सर, है कि नहीं। तो हम लोग स्टार्टिंग में एक बार रिटर्न कर लेते कि हम लोगों ने क्या क्या चीज पढ़ा था। सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा सर कि मतलब वृत्त क्या है। तो वृत्त क्या सर, ऐसा बंद आकृति जिसमें क्या होती है सर, ना तो लंबाई होती ना तो चौड़ाई, उसमें सिर्फ से सिर्फ क्या होती है सर, त्रिज्या होती है सर। दूसरी चीज हम लोगों ने क्या पढ़ा सर कि हम लोग त्रिज्या के बारे में पढ़ा। तो त्रिज्या के बारे में क्या पढ़ा कि त्रिज्या के बारे में ये पढ़ा हम लोगों के कि मतलब केंद्र से वृत्त की किसी भी छोर पर जाती रेखा है उस सीधी रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं सर, त्रिज्या कहते हैं या आर बोलते हैं। दूसरा चीज क्या पढ़े कि मतलब किसी भी वृत्त का एक छोर को दूसरा छोर से जो मिलाने वाला रेखा है तो उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं सर, व्यास बोलते हैं। और जिसमें हम लोग बाद में ये चीज प्रूफ किए कि व्यास अपनी त्रिज्या का कितना गुना होता है सर, दो गुना होता है सर। ठीक है सर। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या पढ़े कि एक वृत्त पर कितने स्पर्श रेखा, इधर ध्यान दो। तो कहने का मतलब फिर हम लोग क्या पढ़े, एक बार स्पर्श रेखा के बारे में पढ़े, जो टचिंग लाइन के बारे में पढ़े और जीवा के बारे में पढ़े। तो जीवा क्या बोलता है सर, जो मतलब साइड से निकल जाए लेकिन केंद्र से ना गुजरे, और जो मतलब तुम्हारा स्पर्श टेंजेंट लाइन जो बाहर से होकर गुजरे तो उसको हम लोग बोलते हैं टचिंग लाइन या टेंजेंट लाइन, या उसको बोलते हैं स्पर्श रेखा और एहसास रेखा बोलते हैं। ठीक है सर। तो गाइस अपने अपने वीडियो में मुलाकात होती है। ठीक है।